अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो इनको पहले समझना ज़रूरी है। स्टार्ट ले लेता हूं और साथ साथ समझाता भी हूं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंगो जूस, आप इसका पहले डेटा लिखें। मैंगो जूस तो वो क्या है? मैंगो जूस आपके पास है 3 1/3 L को मैं लिखता हूँ फॉर लीटर्स। ठीक है, और फिर क्या है? ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस। ठीक है, तो ऑरेंज जूस कितना है? ऑरेंज जूस है जनाब 2 1/2 L। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हाउ मच मोर, ठीक है ना, मोर मैंगो जूस। ठीक है, देन किसका? देन ऑरेंज जूस। ये आपने मोर रिफाइंड करना है, ठीक है ना, तो बस ऐसे ही लिख लें, कोई मसला नहीं है, समझ आए बस। तो 3 1/3 - 2 1/2 माइनस करेंगे, जाहिर है। अच्छा, 3 3 9 10 हो गया, 10/3 - 2 2 4 5/2। ठीक है, आप इसको फिर क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम तो है नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई करें, यानी इनमें कुछ कॉमन है नहीं तो मल्टीप्लाई करें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब इस 3 को तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक 6 नहीं आता, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6। इसी 2 को आपने ऊपर क्या कैसे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। ये एलसीएम का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये 20 हो जाएगा माइनस। इस 2 को तब तक मल्टीप्लाई करना है कि 6 आ जाए, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को ऊपर वाले जो भी है 5 है तो मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 5 / 6। ये आपके पास लीटर्स, ये आपके पास रिजल्ट हुआ कितना? मैंगो जूस। ठीक है ना, मैंगो जूस। मैं लिख देता हूँ, एक और वर्ड भी लिख देता हूँ, मोर मैंगो जूस। ठीक है, तो ये मैंगो जूस आपको ज्यादा पड़ेगा किससे? ऑरेंज जूस से। ठीक है ना, उसने कहा ना कि कितना उसने खरीदा, तो ये उसने ज्यादा खरीदा। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। अदीला है, वो बॉट 6 पैकेट्स ऑफ डेट्स फ्रॉम फॉर रमजान। ठीक है, रमजान के लिए उसने 6 पैकेट्स लिए खजूरों के। ठीक है, इफ द मास ऑफ 1 पैकेट, ये बताया है 3 1/2 kg, फाइंड द टोटल मास। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 की तरफ आए, सोल्यूशन वहाँ पे स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है, आप वहाँ से देख लें, यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर देता हूँ। ठीक है ना, मास ऑफ 1 पैकेट, ठीक है, इज इक्वल टू 3 1/3 1/2 kg। ठीक है, फिर क्या है? टोटल पैकेट्स, पैकेट्स, ठीक है, PACKETS। ठीक है, तो ये कितने हैं? 6 हैं। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है? टोटल मास फाइंड करना है, इज इक्वल टू 6 × 3 1/2। ठीक हो गया ना, यानी टोटल आपने फाइंड करने हैं, तो नो बिग इशू। आपने क्या करना है? 6 3 2 6 7 7 / 2, तो 2 3। ठीक है ना, ये आ जाएगा 3 3 को 2 से 7 से मल्टीप्लाई करें, 21 और kg है तो kg। डन हो गया, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो आ गया आपके पास। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, इधर से आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन 3 कहता है कि महद रन 3 राउंड्स ऑफ अ जॉगिंग ट्रैक इन द मॉर्निंग एंड कवर्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ इतना। एक जॉगिंग ट्रैक है, एक मैदान है, ठीक है, उसके उसने 3 चक्कर काटे हैं और ये बन जाता है 4 2/3 किलोमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ जॉगिंग ट्रैक, तो वो कहता है कि उसकी जॉगिंग ट्रैक की अपनी लेंथ क्या है? 3 चक्कर के तो इतने हुए, तो 1 चक्कर का कितना होगा? ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि लेंथ डिस्टेंस कवर्ड, आप ऐसे लिखें डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड कितना है? ये है जनाब 4 2/3 किलोमीटर। ठीक है, और राउंड्स आप लिखें, ठीक है, ये कितने होंगे? 3। ठीक है ना,
आपने क्या करना है, आपने जस्ट फाइंड करना है, वन राउंड का फाइंड करना है ना। तो सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, तकसीम करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रैक लिखें, लेंथ ऑफ, ठीक है ना, द ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक है वो तो अंडरस्टूड है ना क्वेश्चन से, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 2 बाय 3 डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, 3 के साथ। तो 4 3 12 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 डिवाइड बाय 3, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बाय 1 है, ये हो जाएगा 1 बाय 3, ठीक है। ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 9, ऐसे ही होगा ना, 14 डिवाइड बाय 9, ठीक है ना, किलोमीटर है। इसको अगर फर्दर लेके चलें तो 14 डिवाइड बाय 9 से क्या बनता है, ये भी आप जरा चेक कर लें, 14 डिवाइड 9, 9 1 9 5 रह जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा कितना रह जाएगा, 1 5 डिवाइड बाय 9, ये ऊपर आता, ये साइड पे आता है, ये ऊपर आता है और ये नीचे आता है, ठीक है। यानी ये साइड वाला है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमिरेटर है, ठीक है। तो इतने किलोमीटर आपके पास क्या आया, जवाब आया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लेके चलते हैं, 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 कहता है, अदीला एंड हर फैमिली ट्रेवल टू अनदर टाउन एट अ डिस्टेंस इतना, ऑन देयर वे बैक दे चूज अनदर रूट, ठीक है। सो आप क्या कहेंगे, डिस्टेंस का वर्ड, अवर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो डिस्टेंस का वर्ड कितना है, डिस्टेंस का वर्ड तो वो कितना है, 60, 60 पॉइंट, क्या नाम है उसका, 60 पॉइंट, 60.27, ठीक है, 60.27 किलोमीटर, ठीक है ना। वो जब जा रहे थे किधर जा रहे थे, टाउन जा रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब है, ऑन दियर वे बैक दे चूज अनदर रूट विच इज शॉर्टर, ठीक है ना, शॉर्टर रूट, ठीक है ना। डिस्टेंस, डिस्टेंस मैं कह देता हूँ, लेंथ भी कह सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता। वो है कितना, 12.3 किलोमीटर्स, ठीक है। अब है ए कहते हैं, ए का जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मच डिस्टेंस दे कवर्ड ऑन दियर वे बैक, डिस्टेंस कवर्ड ऑन दियर वे वे बैक, ठीक है, ऑन देयर देयर वे, ठीक है, बैक। तो वे बैक पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो अभी हम देखते हैं। तो जाहिर है आपने इसको मल्टीप्लाई माइनस करना है ना, ये देखें, -12.3, ये शॉर्टर था तो ये आप माइनस करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 47.97 किलोमीटर, ठीक है। तो ये उन्होंने वापसी भी कवर किया क्योंकि वो शॉर्ट रास्ते से आए, ठीक है। अब हम बी की तरफ आते हैं, तो बी क्या कहता है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल कवर्ड, ठीक है ना, डिस्टेंस, तो ये कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर करना है। तो 60.27 एक तरफ जाते हुए, फिर ये वाला इन्होंने वापसी पे जो शॉर्ट रास्ता था वो किया था, पॉइंट क्या है, 9.7, ठीक है। तो जनाब ये जो एंड है वो कितना है, 108.24 24, ठीक है, ये किलोमीटर्स वो टोटल उन्होंने डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है। सो आई होप इसकी आपको समझ आ रही है, सिंपल सा है, मेन चीज़ ये है कि जो क्वेश्चन है उसको समझ के उसका प्रॉपर डेटा निकाल के उसको प्रॉपर वर्क किया जाए कि करना क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 5 की तरफ आता हूँ, क्वेश्चन 5 कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ साफिज होम टू द मस्जिद, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू
इनटू मस्जिद, ठीक है, इज कितने 2.2 किलोमीटर, डन हो गया। इफ द सफी ऑफर्स ऑल हिज 5 प्रेयर्स रेगुलरली, कितने अच्छा ये भी याद रखें कि डिस्टेंस क्योंकि वो प्रेयर के लिए जाता है तो आता भी तो है ना। अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम मस्जिद टू होम, ठीक है ये भी याद रखें, ये वापसी का डिस्टेंस है, तो वो कितना होगा, वो भी सेम ही होगा ना, जाहिर है जो जिस तरह से भी जा रहे हैं उसी पे आ रहा है, ठीक है। तो 5 प्रेयर्स को वो रेगुलरली ऑफर कर रहा है, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर एवरी डे फ्रॉम द मस्जिद टू होम एंड होम टू मस्जिद, एस्टिमेट द आंसर टू चेक द इट्स रीजनेबलनेस, ठीक है। तो अब क्या करते हैं आप, अच्छा ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो मैं पहले इसको इसका क्वेश्चन समझ लेता हूँ, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस, ठीक है, इन वन ट्रिप, मैं इसको ये लिखता हूँ, ये वन ट्रिप पे कितना वो करता है, ठीक है ना। चलो मैं इन वन ट्रिप नहीं लिखता, फॉर वन प्रेयर, ठीक है ना। तो वन प्रेयर पे टोटल डिस्टेंस को कितना करना पड़ेगा, 2.2 प्लस 2.2, 4.4 किलोमीटर एक एक के लिए करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो वो कितना है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। सो डिस्टेंस कवर्ड गोइंग फॉर 5 प्रेयर्स, ठीक है, कितने प्रेयर्स, 5 प्रेयर्स, ये कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4.4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना डिस्टेंस है जो वो कर लेता है, ठीक है ना। अच्छा लेकिन इसमें एक बात है कि डज ही कवर एवरी डे फ्रॉम द मस्जिद टू होम एंड होम टू मस्जिद, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू मस्जिद, ठीक है, टू मस्जिद, तो वो कितना होगा, वो होगा 5 टाइम जाता है और 2.2 होम टू मस्जिद है, ठीक है। सो 5 2 10 5 2 10 एक 11 किलोमीटर, ठीक है। फिर सेकंड है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड कमिंग फ्रॉम मस्जिद टू होम, ऐसा ही है ना, तो वापस भी तो से आना है, 5 दफा आता जाता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 2.2 किलोमीटर, तो ये वही हो जाएगा 11.0 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया। टोटल डिस्टेंस था 5 दफा जाने के लिए, वो आता भी था जाता भी था, ठीक है ना। तो आपने कहा कि ये है 22 किलोमीटर, ठीक है। गोइंग मैं ये भी कहूंगा एंड कमिंग, ठीक है, फॉर 5 प्रेयर्स, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब एक तरफ जाते हुए ये डिस्टेंस है, एक तरफ आप जाते हैं, जस्ट वो जो है लड़का वो जाता है तो 11 किलोमीटर जाता है, और वापस आता है तो भी कितना आता है, 11 किलोमीटर, ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया 5 वाला। अब 6 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी तो करना जरूरी है, इजी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन सिक्स कहता है कि अच्छा ये मैं लिख दूं कि ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हैदराबाद कितना, अच्छा एक चीज और है, इससे पहले एक चीज और है, वो क्या है वो भी मैं बता दूं। उसने ये कहा है कि एस्टिमेट, क्या कहा उसने, उसने कहा है एस्टिमेट द रीजनेबलनेस ऑफ योर आंसर, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, वेरिफिकेशन, ठीक है, सॉरी ये मैं भूल गया था, तो वेरिफिकेशन,
रीजनेबलनेस आपने चेक करनी है, ठीक है, वेरिफिकेशन। तो 4.4 जो किलोमीटर डिस्टेंस है वो तकरीबन तकरीबन बराबर है किसके, 4 किलोमीटर के, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ, ठीक है, 4 चला गया उससे। अब मैं कहता हूँ कि 4 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना हो गया, 20 किलोमीटर, डन हो गया। ये हमारे पास जनाब है 20 किलोमीटर। अब हम ये कहते हैं कि और आंसर इज रीजनेबल, क्या है, और आंसर इज रीजनेबल बिकॉज बिकॉज आवर आंसर इज क्लोज टू द, क्लोज है कि नहीं है, क्लोज है ना, ठीक है, टू द एक्चुअल वैल्यू। ये देखें 22 हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू। ये हम कर चुके हैं, आप प्रीवियस एक्सरसाइजेस देख लें, ठीक है, कि ये क्या होता है। चलें अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या कहता है, क्वेश्चन 6 है, ठीक है, 6 कहता है हादिया बाट हनी, हनी उसने खरीदी है कितनी, हनी, ठीक है, हनी है जनाब 2.5 kg, क्लियर, शी यूज्ड इट इक्वली टू मेक 2 different deserts, ठीक है, कितना, 2 deserts हैं, हाँ ठीक हो गया, टू मेक हाउ मच ईच डेजर्ट, तो डेजर्ट्स मेड, कितने डेजर्ट्स उसने बनाए हैं, 2, ठीक है ना, सो हनी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, या हनी यूज्ड इन ईच डेजर्ट, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये हमारे पास है 2.5 divided by 2, ठीक है ना, 2.5 को क्या किया, 2 पे डिवाइड किया, तो 1.25 kg, ठीक हो गया ना, हनी यूज इन ईच डेजर्ट, ये आपके सामने निकला है, ठीक है ना, हनी यूज इन ईच, ये आपका हो गया एक्सरसाइज खत्म, ठीक है ना, तो बाकी मैं नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट सॉल्व करूंगा। किसी का इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।